दोस्तों प्यार के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। दोस्तों मिलिए इस चित्रकार से जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली से स्वीडन पहुंचा, वह भी साइकिल से। दोस्तों यहां जिस शख्स की बात हो रही है उनका नाम है प्रद्युम्न कुमार महानंदिया और मैं सीधे आपको मुद्दा बताता हूं। दोस्तों महानंदिया का जन्म 1949 में ओडिशा के एक बुनकर दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों दलित होने की वजह से कई बार उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। लोग घर पर पत्थर फेंकते थे, स्कूल में अलग बैठना पड़ता था। प्रद्युम्न के पिता पोस्ट मास्टर के साथ एक ज्योतिषी भी थे। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि प्रद्युम्न की शादी किसी दूसरे देश की लड़की से होगी और दोस्तों जी हाँ वही हुआ। दोस्तों बचपन से प्रद्युम्न की कला की पढ़ाई के प्रति रुचि थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से अच्छे कॉलेज में चयन होने के बावजूद उनका दाखिला नहीं हो पाया। दोस्तों हालांकि उनकी काबिलियत को देखते हुए ओडिशा सरकार ने उनकी मदद की और वह दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई करने के लिए रवाना हो गए। दोस्तों दिल्ली में भी उनकी कई दिक्कतें थी। दोस्तों कई बार उन्हें फुटपाथ पर भी सोना पड़ा था और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ा था। दोस्तों पढ़ाई के बाद वह शाम को दिल्ली के कनॉट प्लेस पर लोगों की पोर्ट्रेट बनाते थे। दोस्तों कैसे बदली प्रद्युम्न की किस्मत, चलो वह भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों किसे पता था कि कनॉट प्लेस के एक कोने में बैठे इस आदमी की किस्मत में कुछ यूं लिखा हुआ है। एक दिन उनके पास एक कार आकर रुकी। कार की पिछली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। फिर बिना पूछे प्रद्युम्न ने जल्दी जल्दी उस महिला की पिक्चर बनाकर उसे दे दिया। गाड़ी में बैठी महिला ने उनसे मिलने आने को कहा। अगले दिन वह महिला से मिले। वह महिला और कोई नहीं बल्कि रूस की वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कौन थी वह लड़की जिससे प्रद्युम्न को प्यार हो गया। दोस्तों 1975 में सॉरलेट नाम की एक स्वीडिश छात्रा कनॉट प्लेस पर पहुंची और प्रद्युम्न को पोर्ट्रेट बनाने को कहा। दोस्तों इस छात्रा को देखते हुए प्रद्युम्न को अपने पिता की भविष्यवाणी याद आ गई। दोस्तों उनको ऐसा लगा शायद यही वह लड़की है जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है। दोस्तों प्रद्युम्न ने सॉरलेट को पिक्चर बनाकर दे दिया। अगले दिन भी सॉरलेट प्रद्युम्न से मिलने आई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। और दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रद्युम्न पत्नी से मिलने के लिए साइकिल से स्वीडन पहुंचे। दोस्तों प्रद्युम्न ने अपने पास मौजूद सारे सामान बेच दिए और इससे उन्हें 1200 रुपए मिले। दोस्तों उसी में से 80 रुपए खर्च कर उन्होंने एक पुरानी साइकिल खरीद ली और दिल्ली से स्वीडन के लिए रवाना हो गए। सफर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों साइकिल से ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, बुल्गारिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों का सफर करने के बाद प्रद्युम्न स्वीडन की सीमा पर पहुंच गए, लेकिन इमिग्रेशन वीजा ना होने के चलते उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। दोस्तों प्रद्युम्न ने अपनी शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन फिर भी स्वीडिश अफसरों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। अफसरों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत से साइकिल के जरिए वह यहाँ तक पहुँचे हैं। इस शख्स की स्वीडन की एक अमीर लड़की से शादी हो सकती है। प्रद्युम्न ने सॉरलेट से बात करवाई, तब जाकर उन्हें स्वीडिश सीमा में दाखिल होने की इजाजत दी गई। दोस्तों प्रद्युम्न को यह पता नहीं था कि सॉरलेट स्वीडन के एक अमीर परिवार से है। यह जानने के बाद उनके मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पत्नी से मुलाकात के बाद सब कुछ दूर हो गया। दोनों ने स्विस कानून के हिसाब से दोबारा शादी की। और दोस्तों आखिर में हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अब प्रद्युम्न स्वीडन के नागरिक बन चुके हैं और वहाँ वह एक अच्छे पेंटर के रूप में पहचाने जाते हैं। दुनिया भर में उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगती रहती है। वह स्वीडन सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग में सलाहकार भी हैं। उनके परिवार में एक बेटा सिद्धार्थ और एक बेटी एमली भी है। वह दोनों ओडिशा आते रहते हैं, अपने गांव वालों से मिलते जुलते रहते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा से भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।